मुझे उम्मीद है कि हिमाचल जो है, जो बिल्कुल साथ में पंजाब के पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं यहाँ से पंचकूला से, तो मुझे उम्मीद है कि यही जाग जो है वो उधर भी मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग का तो एक चम्मच ही चाहिए होता है। दिल्ली से जाग लिया हमने, पंजाब में ईमानदारी का दही जमाया, अब दिल्ली और पंजाब आपको दो चम्मच दे रहे हैं, हम दो चम्मच जाग के दे रहे हैं, तो हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ। ये आपके बिना मुमकिन नहीं है। पब्लिक बड़ी है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, पब्लिक जब चाहे आदमी फर्श पर। सो इसलिए हम तो आम लोग हैं, आओ इकट्ठे होके अपने देश को आगे लेके जाएं, अपने प्रदेश को आगे लेके जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो आपको इस बात के लिए शुक्रिया करें कि आपने समय पर एक सही फैसला लिया और उसके बाद हमें अच्छा जो फ्यूचर, हमें अच्छा भविष्य मिला। पंजाब में ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, 92 MLA हैं, उन 92 से 82 पहली बार MLA बने हैं, और 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 29, 30, 31, 32, 33, 35 साल तक 50 से ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है कि आम लोगों के बेटे बेटियों को विधानसभा की या लोकसभा की सीढ़ियां दिखा सकती है, वरना जो रवायती पार्टियां हैं उनमें तो बारी ही नहीं आती। वहां तो फैमिली कल्चर चल गया, बाप बेटा बहू भुआ मामा फुफा यही चलता है। आम लोग तो सिर्फ या तो लाठियां खाने के लिए या फिर नारे लगवाने के लिए रखे हुए हैं बस। आप वहां जाओ, पानी के कैनन के सामने तुम खड़े हो, मुर्दाबाद के नारे तुम लगाओ, जीतेंगे हम। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को आगे लेकर आती है, उनमें मैं भी हूं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। मैंने नहीं सोचा था कि एक पार्टी बनेगी, मैं उसका मेंबर बनूंगा और फिर उसके बाद वो पार्टी मुझे इस ओहदे तक ले आएगी कि पंजाब को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी, जो 3.25 करोड़ लोगों ने, पंजाब के लोगों ने दी है। हम मिलके काम कर रहे हैं।